यहाँ से हम आपको बता दें कि ये जो पूरी अंतिम सफर है, इसमें जैसा हमने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के 6 अधिकारी शामिल होंगे। जो पूरा का पूरा जो प्रोसेशन है, जो अंतिम यात्रा है, कामराज मार्ग से होती हुई बराड स्क्वायर जाएगी और इसमें लगभग जो है 1 घंटे का वक्त लगेगा। आर्मी की तरफ से बाकायदा एक इल्तिजा, एक रिक्वेस्ट जो है नोट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आप जो हैं कम से कम भीड़ लगाएं, कम से कम इस रास्ते में और वाहन जो हैं लेकर जाएं, ताकि किसी भी तरह से कोई दिक्कत जो है वो ना हो। बिल्कुल, सरदार पटेल मार्ग से राहुल दबास आपको ये पूरी अंतिम यात्रा की हर तस्वीर न्यूज नेशन दिखाएगा कि किस तरह से देश की जनता अपने जनरल को अंतिम विदाई दे रही है, भावभीनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दे रही है। जनरल बिपिन रावत के घर से मेरे सहयोगी धीरेन्द्र कुंडीर जी लगातार बने हुए हैं। राहुल दबास सरदार पटेल मार्ग से हैं, बराड स्क्वायर पर मेरे सहयोगी मधुरेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन राहुल, आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि सेना ने एक इल्तिजा जाहिर की थी सुबह, जितनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं जनरल बिपिन रावत को अंतिम विदाई देने के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुँचे थे, तो उसको देखते हुए सेना ने एक गुजारिश की थी कि भाई कम से कम इस रास्ते पर आप लोग इकट्ठा हों, भीड़ लगाएँ, ताकि ये जो पूरा प्रोसेशन है, जो पूरी अंतिम यात्रा है, वो बहुत ही वो पति पत्नी दोनों के फोटो लिए अनुशासनात्मक तरीके से एक सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ सके। धीरेन्द्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये अपने आप में शायद जनरल साहब को सही विदाई है, क्योंकि जनरल साहब ने जो ख्वाहिश जाहिर की थी, कई उनके सोशल मीडिया पर इंटरव्यूज देखे तो उन्होंने कहा था कि मैं जनता का जनरल बनना चाहता हूँ, मैं उस दूरी को पाटना चाहता हूँ जो वर्दी और आम सिविलियंस के बीच में होती है, और शायद वो उस दूरी को पाट भी पाए अपने दृढ़ निश्चय, अपनी निर्णय और अपने बेबाक बयानों से कि आज जनता का भारी जमावड़ा जो है हम उनकी अंतिम यात्रा में देख रहे हैं। साथ ही साथ जनरल बिपिन रावत की काबिलियत और उनकी वीरता को देखिए, उन्होंने वाकई अपने आप को ये साबित किया, वो पीपल्स जनरल है, आम जनता के जनरल हैं, जो लोगों के साथ हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पहले आगे की तरफ जो गन कैरेज है उसमें जनरल साहब का आपको दिखाई दिया है सौ, उसके बाद ये दूसरा जिसमें फ्लावर्स जो चक्र रखे हैं, जो फूल चक्र लगे हुए हैं, उसमें श्रीमती मधु रावत का शव है, और उसके बाद ये फिर अधिकारियों की लाइन है, और ये पूरी साथ में नारे लगाते हुए लोगों जो आगे की तरफ बढ़े हैं, भीड़ है ये पीछे की तरफ। अभी वो कारवे के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पीछे भी उतनी भीड़ है। अभी ये पूरे के पूरे साथ के साथ लोग आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, और ये उस पूरी यात्रा में ज़्यादातर लोग शामिल होंगे पिनाज, और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये भीड़ उनके साथ अपने प्यार के लिए, अपने जनरल के साथ उसको विदाई देने के लिए। बहुत सारे लोगों से जिनसे बात की उनको छुट्टी नहीं मिली, जैसे मैंने पूछा कि क्या आपको छुट्टी मिली है, उन्होंने कहा कि क्या हम एक दिन अपने प्यारे जनरल के लिए नहीं दे सकते, क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिली थी, लेकिन वो यहाँ पहुँचे हैं। ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे जाता हुआ कारवां, आखिरी बार इसके कामराज रोड अपने इस जनरल को जाते हुए देख रही है। इस घर से निकले 3 कामराज से जनरल विपिन रावत, अब इसके बाद कभी नहीं लौटेंगे, लेकिन ये आखिरी विदाई उनका, जैसा वो चाहते थे उस तरह की विदाई है, क्योंकि जनता के साथ जिस तरह का रिश्ता उनका कायम हो चुका था उसकी तरफ ये देखिए। अब ये फिर लास्ट का जो स्कॉट है, जो 99 का होता है, वो आपको दिखाई देगा। 33 ये इस समय नेवी के लोग गुजरे हैं, फिर उसके बाद एयरफोर्स, और उसके बाद ये मिलिट्री पुलिस का जो कारवा है वो सब गुजर रहा है, और ये लास्ट जो मिलिट्री पुलिस का जो हम लोग देख रहे हैं इस तरह से निकल। जी जी धीरेन्द्र जी, जिस तरह से हमने देखा कि भूटान के किंग जो हैं उन्होंने जनरल और तमाम सैनिकों के लिए अपने श्रद्धा सुमन प्रेयर्स की, वहाँ पे उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त की, साथ ही दूसरे देशों के CDS और जो चीफ ऑफ स्टाफ्स हैं वो भी आ रहे हैं अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ये दिखाता है कि कितना बड़ा कद था जनरल बिपिन रावत का, हमारे CDS का, देश में उनका एक अलग सम्मान, एक पहचान थी, वो वाजिब है, लेकिन दूसरे मुल्कों के साथ भी, हमारे दोस्त मुल्कों के साथ भी कितना सम्मान उन्होंने अर्जित किया था। देखिए, पिछले कुछ समय से जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स बदली है, उसमें उन्होंने जो भारत ने अपने आप को इस पूरे इलाके में एक सेंटर के तौर पर डेवलप करने की कोशिश की, चीन की जिस तरह की विस्तारवादी नीति है उससे उनके पड़ोसी जितने लंबे समय से परेशान रहते थे, चूंकि जिस तरह से उसकी एक्सपेंशनिस्ट की जो एक आइडियोलॉजी है उसके सामने हिंदुस्तान कभी मुखर तौर पर नहीं आता था, लेकिन पिछले कुछ समय से सरकार हो और सरकार की उन योजनाओं का या सरकार के उस सपने को मूर्त रूप देना जो ज़रूरी होता है, जिसके लिए ठोस काम कर
करना होता है, जो प्लानिंग करनी होती है वो की, और उसमें उन्होंने बाकायदा तमाम जो हमारे साथ के सहयोगी देश है, चाहे वो भूटान हो चाहे वो नेपाल हो, तमाम लोगों के यहाँ जिस तरह का सहयोग जैसा उनके साथ किया गया, ये एक अलग से किया गया काम होता है, जिसमें जो खुद जनरल हैं उनका अपना व्यक्तिगत भी एक रिश्ता कायम होता है कि किस तरह से देश के उसको हितों को बनाया जा सके। तो वो चीज़ आपको आज यहाँ दिखाई दी। देखिए, दुनिया के लगभग सभी तमाम ताकतवर देशों के जो एम्बेसीज थे, आपने देखा यहाँ वो लोग पहुँचे, उन्होंने पुष्प चक्र अर्जित समर्पित किए, श्रद्धांजलि दी। इसी तरह से तमाम CDS के आने की बात हुई और वो लोग नेपाल, भूटान और उनके तमाम जगह से आपने देखा उनके लोग यहाँ पहुँचे, और उन्होंने न केवल सिर्फ एक, जब हम उनके वो पढ़ेंगे जो उन्होंने अपने उस पर लिखा है उनके शोक संदेश में, शोक पुस्तिका में, तो आप देखेंगे कि किस तरह के संदेश उन लोगों ने यहाँ लिखे हैं। यानी ये एक रिश्ता सिर्फ ऐसा रिश्ता नहीं था जो आपको औपचारिक कोई रिश्ता दिखता है, जो एक रिश्ता जो बनाया जाता है कि ठीक है ये एक औपचारिक रिश्ते हैं, संबंध है जो बनाए जाने चाहिए। यहाँ उनका एक व्यक्तिगत रिश्ता, एक ऐसा रिगार्ड जो एक विजनरी जो जनरल था, जो ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से इस क्षेत्र में जिस तरह आने वाले समय के लिए हिंदुस्तान की पॉलिसी क्या होगी, वॉरफेयर्स में मॉडर्न डॉक्ट्रिन क्या होगी वॉर की, और उसके साथ साथ आसपास के देशों के साथ बराबर का रिश्ता किस तरह तैयार होगा, और वही हमने देखा नज़ारा कि आम जनता से लेके, खास जनता से लेके, विदेश के तमाम लोग भी जो लोग उनके साथ थे वो लोग यहाँ पहुँच रहे थे और उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और हम देखेंगे कि अभी इस तरह के रास्ते में अभी हमने कई गाड़ियाँ देखी हैं जिनमें, चूँकि अभी उनकी पहचान हम लोग इस तरह से नहीं बता सकते, लेकिन वो यकीनन उनके साथ वहाँ तक जाएंगे, वो तमाम विदेशी जो विदेशी लोग थे, जिनमें विदेशी चाहे वो एम्बेसी के लोग थे चाहे फिर वो नेपाल और भूटान से आए हुए लोग थे, लेकिन लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग गाड़ियों में अभी भी पीछे गए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा एक उनके लिए, जनरल के लिए एक सम्मान था, और जनरल ने जिस तरह से यहाँ अपने लोगों के साथ रिश्ता कायम किया ये उसकी एक मिसाल दिखाता है। जी पिनाज जी, बिल्कुल, और ये हम तस्वीरें देख रहे हैं। यकीन मानिए, देश के युवा हाथों में तिरंगा लिए हुए जनरल की इस अंतिम यात्रा के साथ जिस तरह से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, वो अपने आप में ही ये तस्वीरें संदेश देने के लिए काफ़ी हैं कि इस देश के लिए क्या कुछ मायने रखते हैं। देश के वीर जवान, देश के सैनिक और देश के ये जनरल तो जनता को बहुत प्यारे थे, क्योंकि ये जनता के जनरल थे, और इन्हीं की देखरेख में जिस तरह से हमने अपने जवानों की शहादत का बदला लिया, सर्जिकल स्ट्राइक की, जिस तरह से डोकलाम में चीन की आंखों में आंखें डालकर मिरर डिप्लॉयमेंट कर उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, उसे बताया कि अब उसका एक छत्र राज या फिर उसकी डोमिनेंस जो है वो नहीं चलने वाली, ये बदला हुआ भारत है। तो ये तमाम चीज़ें जो है, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन की बात करें या देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना हो सामरिक लिहाज से, अचीवमेंट्स जो जनरल बिपिन रावत की रही वो अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। जनरल रावत ने कभी भी अपने बयानों में किसी भी तरह की लाग लपेट नहीं की। जब उनसे पूछा गया था कि अगर स्थिति बनती है युद्ध की तो फिर क्या होगा, उन्होंने कहा कि पहली गोली हम नहीं चलाएंगे लेकिन उसके बाद गोलियों की गिनती भूल जाएंगे। तो आप जरा सोच कर देखिए कि जनरल के इरादे पाक साफ थे कि हाँ, ये हिंदुस्तान है जो शांति का समर्थक है, लेकिन हमारी सेना में वो दमखम है कि अगर एक गोली आई तो उसके बाद हम गोलियां गिनना बंद कर देंगे।